नमस्कार दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है और इतिहास के पन्नों में आज का दिन काफी अहम माना जाता है, क्योंकि 1950 में आज ही के दिन मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। दोस्तों, आज के हमारे इस बुलेटिन में हम आपको जापान में क्वाड देशों की बैठक में चीन को घेरने के खिलाफ बने प्लान के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जो उसने हाथरस केस को लेकर की है। वहीं बुलेटिन के आखिर में हम आप लोगों को एक बच्चे का डांस वीडियो दिखाएंगे जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। क्वाड देशों की बैठक में चीन को घेरने का प्लान तैयार। जापान में क्वाड देशों के बीच हुई बैठक में चीन को घेरने का प्लान तैयार हो गया है। इसका इशारा खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में किया। जयशंकर ने चीन की दादागिरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुक्त, खुले और समावेशी बनाए जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस दौरान चीन का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने फ्री ओपन इंडो पैसिफिक और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड को बताया भयानक। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस मामले को भयानक बताया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि वो ये बताए कि हाथरस मामले की गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच चल रही है। सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें बताया गया था कि संभावित दंगों के कारण प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। खुफिया इनपुट से जानकारी मिली थी कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने दावा किया कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। यूपी में दंगे की साजिश में 4 गिरफ्तार। हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी मथुरा के पास के एक टोल प्लाजा से हुई है। 4 दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। इनमें एक जामिया का छात्र भी शामिल है। पुलिस का आरोप है कि वो यूपी में दंगे की साजिश रचने वाले PFI का मास्टरमाइंड है। मसूद अहमद नाम का गिरफ्तार छात्र बहराइच जिले के जरवल रोड का रहने वाला है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग है। यूपी में निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर कर्मचारी। यूपी में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस बीच यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। प्रदेश के सभी डिस्कॉम के अधिकारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। इससे राज्य में बिजली संकट की ओर गहराने की आशंका बढ़ गई है। राज्य के बिजली कर्मचारी और संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। फिलहाल इस मामले में सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है और राज्य के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। पायल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष अब खुद मुश्किल में फंस गई हैं। दरअसल एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पायल घोष पर 1.1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। ऋचा चड्ढा ने पायल पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ काफी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऋचा ने मानहानि का दावा करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फिलहाल हाईकोर्ट में आज इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में राहुल की ट्रैक्टर रैली। कृषि कानूनों का विरोध कर रही कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर हरियाणा पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया। राहुल को 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जाने की परमिशन नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने रैली को रोक दिया था। यहाँ धक्का मुक्की भी हुई और राहुल धरने पर बैठ गए। राहुल ने कहा कि वो हिलेंगे नहीं और इंतजार करेंगे। हालांकि बाद में राहुल गांधी को शर्तों के साथ हरियाणा में एंट्री की परमिशन मिल गई। आज पृथ्वी के करीब से गुजरेगा एस्ट्रॉयड। दोस्तों, धरती के करीब से आज एक यात्री विमान से भी बड़ा एस्ट्रॉयड गुजरेगा। नासा के एस्ट्रॉयड मॉनिटरिंग सेंटर ने कहा है कि हमने एक ऐसे एस्ट्रॉयड की खोज की है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। इस एस्ट्रॉयड का नाम 2020 RK-2 है। इस एस्ट्रॉयड को सितंबर महीने में पहली बार नासा के वैज्ञानिकों ने देखा था। नासा के मुताबिक एस्ट्रॉयड 2020 RK-2 24,046 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगी रिया।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स को लेकर गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुंबई की अदालत ने रिया और शौविक चक्रवर्ती की न्यायिक रिमांड को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल ड्रग्स की खरीद को लेकर गिरफ्तारी की गई रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और 18 अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि खत्म हो रही थी। नीतीश पासवान के बीच जुबानी जंग तेज। लंबे इंतजार के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों के गठबंधन में पहले ही बातचीत हो गई थी, बस ऐलान बाकी था। नीतीश कुमार से जब एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की ओर से किए जा रहे हमले पर सवाल पूछा गया तो सीएम नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब दिया। नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे हैं, वो बिना जेडीयू की मदद के हुआ है क्या? वैक्सीन बनाने की रेस में रिलायंस भी शामिल। दुनिया की कई कंपनियां वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं। इनमें अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम जुड़ गया है। रिलायंस लाइफ साइंसेज की वैक्सीन का इस महीने जानवरों पर प्रयोग किया जाएगा। रिलायंस कोविड 19 के लिए जो वैक्सीन विकसित कर रही है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। माना जा रहा है कि अगले साल पहली तिमाही में इसका इंसानों पर ट्रायल शुरू हो सकता है। आईपीएल में रबाडा ने चहल से छीनी पर्पल कैप। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कैगिसो रबाडा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के यजवेंद्र चहल से पर्पल कैप हथिया ली है। इस वक्त गेंदबाजी में रबाडा सबसे ऊपर है। उनके 5 मैचों में 12 विकेट हैं। उनके बाद चहल है। चहल के नाम 5 मैचों में 8 विकेट हैं। रबाडा ने बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए मैच में ही चहल को पीछे छोड़ा। कुत्ते के सामने बच्चे का शानदार पंजाबी डांस। सोशल मीडिया में एक बच्चे के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक बच्चा और 2 कुत्ते की शानदार जुगलबंदी दिख रही है। वीडियो में आप देखेंगे कि बच्चा मेन गेट के बाहर है और दरवाजे के पीछे 2 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे। जैसे ही वो भौंकना शुरू करते हैं वैसे ही बच्चा उनके सामने भंगड़ा करने लग जाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।